ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज यूथ विन पंजाब जोन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर युवा पीढ़ी को सशक्त करने के लिए भिन्न भिन्न विषयों पर आधारित युवा संबंधी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में हमारे राजयोगी बहनें तथा भाई अपने अनुभवों के आधार पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, ओम शांति। आज हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि तनाव क्यों आ जाता है। अक्सर हमने देखा है, छोटी छोटी बातों पे हम तनाव में आ जाते हैं। बात बहुत छोटी सी होती है और राई को हम पहाड़ बना लेते हैं। कभी राई पहाड़ बन सकती है? नहीं ना, परंतु हम प्रयास करते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, हमारे तनाव के जो कारण बन जाते हैं, मान लीजिए मेरे पड़ोस में, मेरे फ्रेंड के पास, मेरे ऑफिस में, मेरे व्यापार में, साथ वाली दुकान के पास, व्यक्ति के पास कोई चीज़ आ गई। अब उसको देखकर मेरे मन में क्या आता है, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। परंतु जब हम देखते हैं कि साधन नहीं है तो क्या होता है, सोच में पड़ जाते हैं, तनाव का बीज डाल लेते हैं, फिर वो बीज फलने लगता है। अगर उसको वहीं पर बंद ना किया जाए, रोका नहीं जाएगा, तो वो धीरे धीरे और सोचने लग जाएगा, एक कल्पना के संसार में घूमने लग जाएगा। ऐसे करना होगा, ऐसे करूंगा, यहाँ से पैसा इकट्ठा करूंगा, ना जाने क्या क्या एक जाल बना लेते हैं। किसने तनाव क्रिएट किया? किसी और ने? पड़ोसी ने? नहीं, खुद ही हमने अपने आप तनाव क्रिएट कर लिया। परंतु दूसरे अगर आप सोचें, जो आपके पास है, दुनिया में करोड़ों लोगों के पास वो नहीं है। कभी खुश हुए? तब तो ये नहीं सोचा कि मेरे पास इतना कुछ है, पड़ोस में नहीं है, तब तो बताते नहीं हैं, नज़र ना लग जाए। उदाहरण के रूप में देखिए, एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ में बहुत सुंदर एक खिलौना है, कॉस्टली है, ऑटोमेटिक है, और उसके सामने एक और बच्चा आ जाता है, एक लकड़ी का खिलौना सामने लेकर आता है। वो क्या करता है, उससे छीनता है, मांगता है, मुझे दे दे। वो कहता है, तू ये वाला मुझे दे दे, तो इससे खेल ले, मैं इससे खेल लेता हूँ। वो बच्चा नहीं मानता, कहता नहीं ये भी मुझे दे दे। आप अगर दूर से देख रहे हैं तो क्या हंसते हैं ना, देखो कितना चालाक है, अपने आप को क्या समझता है, होशियार समझता है। उस बच्चे का भी खिलौना लेना चाहता है, अपना देना भी नहीं चाहता। क्या हम भी ऐसा नहीं कर रहे? जो हमारे पास है वो हम किसी को देना नहीं चाहते, जो दूसरों के पास वो हम लेना चाहते हैं, तो तनाव अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। तो साथियों, इसके ऊपर सोचिएगा, ये जीवन के हर रोज घटनाएं घट रही हैं। जहाँ आप रहते हैं, आपने कोई सामान खरीदा घर का, खुशी हुई, आनंद हो रहा है, अब महीने के बाद वही चीज़ थोड़ी कॉस्टली हो सकती है, कम वाली भी हो सकती है, लेकर आ जाता है। सच में सोचिए आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पता लगता है कि मैं तनाव में होता हूँ या नहीं होता हूँ। ये एक बैरोमीटर है नापने का कि क्या, नहीं तुम कहते हैं मैं तनाव में तो नहीं हूँ, परंतु उस चीज़ को देखकर अगर आपके मन में कुछ नेगेटिव विचार आते हैं, अपनी खुशी गुम हो जाती है दूसरों के सामान को देखकर कि पड़ोस में भी आ गया, अब हमारे सामान की कोई वैल्यू इतनी नहीं रही ना, अब लोग उसको भी देखने आ गए, आपको मुबारक दी तो उसको भी देने आ गए, तो आपके मन में क्या होता है, बस इस चीज़ को रोकना होगा। मैं ये नहीं कहता कि वहीं खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो, मेहनत करते रहो, तनाव में नहीं, शक्ति से वर्क करो, अचीव कर लो। कौन सी दुनिया की चीज़ है जो नहीं ले सकते, परंतु तनाव में आ जाएंगे फिर नहीं मिलेगी, मिलेगी तो फिर उसमें सारा कुछ, हमारी खुशी चली जाएगी, एनर्जी चली जाएगी, टेंशन में रहेंगे, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। इसलिए ये छोटी सी बात को अगर अपने पल्लू में बांध लें, अपने जीवन के अंदर अपना लें, कितने तनाव हमारे जीवन से स्वयं ही भाग जाएंगे। और क्या चाहिए, जरा सोचिएगा, चिंतन का विषय है, फ़ायदा किसको होगा, आपको होगा। थोड़ा विचार कीजिए और शुरू कर दीजिए अपने जीवन की अपनी नई यात्रा, तनाव मुक्त जीवन जीने की। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ विचार के साथ। यदि आप ऐसे ही विषयों को सदैव सुनना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले विषयों की जानकारी सहज मिलती रहे। धन्यवाद। ओम शांति।